हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, और 20 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद जो अगला शिफ्ट का पेपर हुआ है 23 जनवरी 2023 को, जो एग्जाम में पूछा गया है हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए, और दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी क्लास आपको टाइम पर मिल जाए। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे, भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा का लिपि से संबंध न होना। उदाहरण के लिए ऑप्शन ए दिया गया है कोई दो भाषाओं में लिख सकता है, बी है कोई एक भाषा में लिख तो सकता है परंतु उस भाषा में बोल नहीं सकता, सी है कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है, डी है कोई ध्वनि विज्ञान संबंधी संकेतों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी लिख सकता है। पहला क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हैं कि भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा का लिपि से संबंध न होना। उदाहरण के लिए ऑप्शन ए है कोई दो भाषाओं में लिख सकता है, नहीं, बी है कोई एक भाषा में लिख तो सकता है परंतु उस भाषा में बोल नहीं सकता, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी है कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। शेष जो है ये सारे ऑप्शन ऑप्शन ए बी और डी की बात करें तो ये इनका कोई मैच ही नहीं है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या आशय है। ऑप्शन ए में दिया गया है कई भाषाओं के प्रयोग की जगह एक भाषा का प्रयोग, बी है भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना न कि एक उत्पाद के रूप में, सी है वर्तमान समय के साहित्य में बहुभाषावाद के लिए नई पदावली, डी है अनुवाद की विस्तृत परंपरा के केंद्र में भाषा को रखना। दोस्तों यहाँ पर ट्रांस लैंग्वेजिंग से आशय है कि भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना न कि एक उत्पाद के रूप में। देखिए कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना जो है भाषांतरण कहलाता है, और इसमें ट्रांस लैंग्वेजिंग द्वारा शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषाएं सीखने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता है। इसका प्रयोग जो है शैक्षणिक परिवेश में किया जाता है, किसका, ट्रांस लैंग्वेजिंग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना न कि एक उत्पाद के रूप में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए दिया गया है कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए नए प्रश्न जिनकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हों, बी है किसी तथ्य के प्रति समझ बनाने के लिए विभिन्न विषयों से तथ्यों को जुटाना, सी दिया है शिक्षण की नई विधियों का प्रयोग करते हुए कक्षाई गतिविधि, डी है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए कक्षा में प्रयुक्त सामग्री। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए नए प्रश्न जिनकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हों, ये ए वाला ऑप्शन दोस्तों यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सलाह है। ऑप्शन ए दिया गया है श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना, बी है निष्कर्ष सुनते समय ची ची आवाज़ करने वाले पेन से बोर्ड पर लिखना, सी है एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग न सुनाई जाए, डी है यदि श्रव्य सामग्री विद्यार्थियों के स्तर के उपयुक्त है तो बीच बीच में रोका न जाए। पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सलाह है ये आपको बताना है। यदि श्रव्य सामग्री विद्यार्थियों के स्तर के उपयुक्त है तो बीच बीच में रोका ना जाए, ये नहीं होगा। एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग ना सुनाया जाए, ये भी नहीं होगा। बी है निष्कर्ष सुनते समय चीची आवाज़ करने वाले पेन बोर्ड पर लिखना, ये भी नहीं होगा। ए है श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना, ऑप्शन ए दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है। इसमें से कौन सा व्याकरण का पढ़ाने का चरण नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है विद्यार्थी की भाषा में अध्यापक द्वारा संशोधन करना, बी है किसी विशिष्ट व्याकरणिक बिंदु का प्रयोग करने वाली संप्रेषण गतिविधि, सी है अध्यापक द्वारा अर्थ और नियम की जांच करना, डी है पढ़ाए गए वाक्यों का अभ्यास ड्रिल करवाना। इसमें से कौन सा व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है, विद्यार्थी की भाषा में अध्यापक द्वारा संशोधन करना ये तो होगा, किसी विशिष्ट व्याकरणिक बिंदु का प्रयोग करने वाली संप्रेषण गतिविधि ये भी होगा, अध्यापक द्वारा अर्थ और नियम की जांच करना ये भी होगा, डी है पढ़ाए गए वाक्यों का अभ्यास या ड्रिल कराना ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसमें व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षक की अवधारणा नहीं है। इसमें से कौन सी भाषा शिक्षक की अवधारणा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ट्रांस लैंग्वेजिंग, बी है बुद्धि, सी है पठन वैकल्य, डी है भाषा संबंधी विशिष्ट विकार। इसमें भाषा शिक्षक की अवधारणा दोस्तों देखिए ट्रांस लैंग्वेजिंग है, पठन वैकल्य है, भाषा संबंधी विशिष्ट विकार है, जबकि बुद्धि नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है लगातार बोल रहे अध्यापक को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, बी है कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है, सी है अध्यापकों को लंबी लंबी व्याख्या नहीं करनी पड़ती, ये नहीं होगा, डी है इस समय अध्यापक पाठ योजना के बारे में तुरंत निर्णय ले सकते हैं। भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है 23 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हैं और आज हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं मगर अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ तक कि लाइक भी नहीं करते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप जो करें ठीक है, लेकिन आप जो है वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहा है, नहीं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप लोग जो है कर लीजिए, इसे जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक शब्दकोश की अनेक विशिष्टताएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती हैं, इसमें से कौन सी विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है उच्चारण, बी है शब्द अर्थ, सी है शब्द की उत्पत्ति और डी है बालघात। एक शब्दकोश के अनेक विशिष्टताएं होती हैं जिसमें से शब्द की उत्पत्ति विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती है, कौन सी, शब्द की उत्पत्ति। ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है, इसमें से पूछा गया है कौन सा पठन का आयाम नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भाषा की लिपि की पहचान, बी है पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना, सी है पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदु की पहचान करना, डी है कृतवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है, भाषा की लिपि की पहचान ये तो है, पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना ये भी है, पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदु की पहचान करना ये भी है, कृतवाच और कर्मवाच की पहचान करना जबकि ये नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रामाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है, ऑप्शन ए दिया गया है वास्तविक संप्रेषणात्मक उद्देश्य के लिए प्रदत्त कार्य, बी है दो भाषाओं में शब्द सूची, सी है बोली और लिखी गई सामग्री, डी है आरंभिक साक्षरता। भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रामाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है ये आपको बताना है, तो वास्तविक संप्रेषणात्मक उद्देश्य के लिए प्रदत्त कार्य नहीं, दो भाषाओं में शब्द सूची नहीं, बोली और लिखी गई सामग्री, ऑप्शन सी जो है इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है, भाषा के खेलों के बारे में इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है वो आपको बताना है। ऑप्शन है खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य भटकाते हैं, बी है खेल पूर्व अधिगम को पुनर्बलन करते हैं, करेक्ट है, सी है खेल अपने आप में एक पाठ का रूप ले लेते हैं, ये भी करेक्ट है, डी है अध्यापक को खेल अधिगम उद्देश्यों के साथ संबंध करना कठिन है, ये भी करेक्ट होगा। जबकि इसमें से गलत पूछा गया है कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है, तो खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं नहीं, तो यही जो है गलत होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं, उस विचार बिंदु की पहचान करें जो अधिक उपयोगी नहीं है, जो अधिक उपयोगी नहीं है वो आपको, दोस्तों देखिए आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है उसके बाद आपको आंसर करना है, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ें तो। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को बोलने से पहले कुछ वाक्यांश देना, बी है वाचन के अभ्यास के लिए लिया गया टॉपिक शिक्षार्थियों के स्तर का होना चाहिए, सी है वाचन के लिए सामग्री पूर्व में पढ़े गए पठन संबंधी पाठ से ली जा सकती है, डी है वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए। कौन सा पहचान करें कि अधिक उपयोगी नहीं है, तो वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए, ये सबसे अधिक उपयोगी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, इसमें भी देखिए, और दोस्तों जहाँ भी ये नहीं वर्ड आए ना आपको उसको अंडरलाइन कर लेना, और अब जबकि ऑनलाइन एग्जाम में जैसा कि कंप्यूटर पे होता था तो आप ये काम नहीं कर सकते थे मगर अब ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो आपको पेपर मिलेगा तो आप उस पर सर्किट कर लीजिएगा, इस तरह से जो है आप क्वेश्चन पे फोकस कर पाएंगे इसमें पूछा क्या गया है। ऑप्शन ए शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन, बी है मिडिल और माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन, सी है घर की भाषा मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में, डी है विद्यालयी शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी तथा माध्यम
अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में। तो यहाँ पे भाषा शिक्षक के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन, ठीक है। मिडिल और माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन, ये भी है। घर की भाषा मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में, ये भी ठीक है, आपको नहीं बताना है। तो विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों देखिए, आरंभिक में जो है बच्चे मातृभाषा सीखते हैं और उसी से जो है रिलेट करके उनको अन्य भाषाओं का जो है नॉलेज दिया जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जबकि इसमें नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अध्यापिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित व मौखिक परीक्षण प्रदत्त कार्यों के माध्यम से देती है और इनका प्रयोग आकलन के लिए करती है, इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया है रचनात्मक आकलन, बी है संकल्पनात्मक आकलन, सी है पोर्टफोलियो आकलन, डी है दक्षता आधारित आकलन। अध्यापिका समय समय पर निश्चित प्रकार के लिखित व मौखिक परीक्षण प्रदत्त कार्य के माध्यम से देती है और इनका प्रयोग के रूप में जाना जाएगा, ये किसमें जो है रचनात्मक आकलन के रूप में जाना जाएगा, किसमें रचनात्मक आकलन के रूप में। ऑप्शन ए जो है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण वस्तु को हमेशा इकाइयों में बांटकर शिक्षण किया जाता है। प्रत्येक इकाई को दो या तीन इकाइयों में समूह को छात्रों को पढ़ाने के बाद अंत में परीक्षण दिया जाना चाहिए, इससे ही इकाई परीक्षण या जो रचनात्मक मूल्यांकन है इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भागों में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है, पर इन दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं, हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन ए है विभिन्न भाषाएं, बी है एक हिंदी है और दूसरी भोजपुरी है, सी है ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं, डी है ये एक ही भाषा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भागों में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है, पर इन दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं, हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसे ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं इस रूप में, ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे पेडागोजी के क्वेश्चन जो 23 जनवरी 2023 को पूछे गए थे, उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट वीक का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा विजडम मास्टर चैनल पर, आपको सारा पेपर जो है मैं सॉल्व करवा दूंगी। और दोस्तों बाकी आपके जो भी डाउट रहते हैं आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।